बेबी और इसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, आपने इसके लिए दुआ करनी है। और इसके सीना भी वो जैसे चीखता है ना वो भी हो रहा है, और इसका पेट। ओके जी, लेटे हैं ये जब टाइम पे नहीं लगाते, अब बिल का पता चलेगा जब भरोगे। मैं बोलता था कि बिल भरना है, आप बोलती थी कि नहीं आपने भरना है, हमें क्या, आप पता चल जाएगा। व्यूअर आज हम बना रहे हैं गोभी और मसाले वगैरह भी काट कूट के रख दिए माशाल्लाह गोभी, और इसके अलावा ये गोभी वाले पराठे। क्यों नहीं खाने देता, क्यों नहीं खाने देता? 140 रुपये एक पाव चिकन हो गया माशाल्लाह, किलो किलो है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं तो वैसे ठीक है, मज़े में माशाल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। आज का तो मेरा व्लॉग है ना, है तो फर्स्ट व्लॉग लेकिन स्टार्ट हो रहा है सेकंड टाइम में, सूरज बिल्कुल जाने वाला है और बस थोड़ा सा रह गया। मैंने सोचा कि आपसे गुफ्तगू भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी और मज़े मज़े का व्लॉग भी हो जाएगा। लेकिन मज़े का व्लॉग तो तब होगा जब इसमें खुशियाँ होंगी, जब इसमें हो सकता है कि कोई बिग न्यूज़ हो तो फिर मज़े का होता है, जब सैड न्यूज़ हो तो फिर खुशी का व्लॉग नहीं होता है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, उसके बाद हम चलेंगे मज़ेदार वीडियो की जाने। लेट्स गो। इवर अभी अभी जो बात हो रही थी कि व्लॉग जो होता है खुशी का हो तो फिर अजीब बात होती है, मतलब मज़ा आता है। लेकिन देखें शायद भाई इधर रेडी खड़े हैं और ये मेरे मोटरसाइकिल का कार्ड है। बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, कोई बात नहीं, ये मुश्किल घड़ी में ना मैंने ऐसे निभाए हुए हैं वक्त। तो ये जा रहे हैं जी इस टाइम, वो भी अलीपुर 135 किलोमीटर सफ़र है, तो इनका टाइम ज़ाया भी नहीं करते क्योंकि इनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात इमरजेंसी में ले गए थे और अब भी लेके जा रहे हैं इसे किसी और अच्छे हॉस्पिटल। ठीक है भाई, आप टाइम ज़ाया ना करें क्योंकि असर की अजानें हो चुकी हैं और इन्होंने बहुत सारा सफ़र करना है। डोर ओपन कर देते हैं और फिर इनको कर देते हैं रवाना। आपने इनके बेटे के लिए ज़रूर दुआ करनी है और अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान फरमाए। तसल्ली से जाओ ना, तसल्ली से, फिर भी सुकून से पहुंच जाओगे, टेंशन नहीं लेनी। इधर इधर देखें माशाल्लाह, ये मैंने इसको लगा दिया है क्योंकि एक तो ये गर्म भी नहीं होगा और दूसरा कोई बच्चे वगैरह जो होते हैं ना उनसे भी इसकी सेफ्टी, काफ़ी हद तक सेफ्टी रह जाती है। और सबसे मेन वजह ये है कि इससे ना बंदा कुछ थकता भी नहीं है और कुछ कुछ नरम हो जाता है, और साथ में अगर धूप में कड़ा किया जाए तो गर्म भी नहीं होता। मैंने कहा मुकम्मल रेडी कर दूं, और कल ही आपको पता है इसका सारा काम वगैरह मैंने करा दिया था, शायद कि इसलिए कराया होगा कि आज इसने काम आना था। कोई भी नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस आपने शायद भाई के बच्चे के लिए दुआ करनी है, और आपको पता है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पालना और उनकी बीमारी के बारे में मालूमात, ये सब बहुत मुश्किल होती है जब तक वो ख़ुद बताने वाला नहीं बनता। मतलब इतना बन जाता है जैसे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें जब बताने लगती हैं तो फिर वालदैन की कुछ परेशानी जो है ना कम हो जाती है। तो आपने दुआ ज़रूर करनी है, इनका सफ़र भी है और साथ में बेबी की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है। वीवर ये देखें, ये है जी बेबी और इसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, आपने इसके लिए दुआ करनी है। और इसके सीना भी वो जैसे चीखता है ना वो भी हो रहा है, और इसका पेट भी दुखता है। ठीक है, बस आपने दुआ करनी है इसके लिए। ठीक है, सुकून से जाना है, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम से पहुंच जाएगा। हाँ, टेंशन नहीं है यार, वो तकरीबन अगर 60 की स्पीड भी हो ना, हाँ, 2 घंटों में आप पहुंच जाएंगे। हाँ सही हो गया। ठीक है जी, माशाल्लाह वीवर, माशाल्लाह तैयारी बन गई है मुकम्मल, और मैंने कहा चश्मा भी ले लो और इसके बाद फिर रवाना हो जाओ। चलो जी, बाय बाय। ओके जी, चले गए हैं जी, आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है और हम भी चलते हैं वापस। बल्कि इधर आ रहे थे अफजल भाई के यहाँ, थोड़ा सा काम था, अब याद ही नहीं रहा, काम भूल गया। हाँ
चलो जाओ भाई, याद करके फिर आना। नहीं नहीं, मैं इधर ही याद करूंगा। तो नहीं यार, चलो फिर याद कर लूंगा। चलते हैं अभी बार इधर देखते हैं, कल खैरात किए थे, कोई चावल वगैरह शायद रखे हों, वो भी खा लेंगे, चारे भी और मीठे भी। खत्म? वो यार ऐसा नहीं करो, थोड़े से तो पड़े होंगे। चावल घर कच्चे हैं? चावल नहीं है। मैं सुबह का याद कर रहा था कि जाऊं कोई चावल वगैरह देखूं। तबीयत कैसी है आपकी और आपकी बच्ची की? माशाल्लाह, दवाइयाँ हो रही हैं? हाँ जी, हो रही हैं। और तुरंत फिरन? अभी हाँ, ये ज़रूरी है, तुरंत फिरन बहुत ज़रूरी है। इसके माथे पे क्या लगाया है, पीला क्यों हुआ हुआ है? ये गुलाब है ना? नहीं, इसको कोई बीमारी लगी हुई है। वो देख कैसे है, वो देख, सर पे देख, सर पे देख। ये अंगूर है, बाल जम रहे हैं। बाल जम यार, कोई बीमारी यार लगी? आज आज ठीक है, असल आपको बताऊं, ये बड़क गई है, बड़क गर्मी की वजह से। हाँ, बड़क अच्छा। निकली थी ना वो वाला, ये छोटे छोटे दाने हैं। फिर क्या ग्लूकोज खवाया है? नहीं, कल उस तरह लगाया, लगाया टेंट बनवाया, अब साफ हो जाएंगे। सही, ये मैल होती है, ये पहले पत्नी, अब तो ये मुझे वो कौन है उसका क्या नाम है, वो दूसरा कौन है, वो नहीं उससे बड़ा जो है, उससे बड़ा महबूब, महबूब महबूब की शक्ल दे रही है वो देख। जब ऐसे चोंच बनाती है तो उसकी शक्ल देने लग जाती है। अब देख चले जी, माशाल्लाह ये सात आठ रंग बदलेगा बच्चा, अभी तो दूध में है, फिर जब तो खाना खाएगा फिर और कलर होगा, कलर बहुत होता है। सुना है मौसम बारिशों का आने वाला है, कल मुझे मौसूल हुई थी एक वीडियो पिंडी की और उसमें बारिश हो रही थी, तो इधर फिर इरफान भाई आए हुए थे, उससे उस वो बोल रहा था कि इधर भी बारिशें होने वाली हैं, लेकिन जब हमने वेदर चेक किया तो वेदर में तो खासा कुछ भी नहीं था, मतलब क्लियर क्लियर, और लाहौर साइड की वैसे हवा हल्की हल्की सी चल रही है, अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो चांस बन जाएंगे मतलब के बारिश आने के, अगर ये ज़्यादा नहीं होती तो कोई ख़ास चांस नहीं बचेगा। चलते हैं अम्मी से मुलाकात करते हैं, अब्बू से मुलाकात करते हैं, वैसे तो मुलाकात करता रहता हूँ, आज वीडियो में कर लेते हैं। ओके व्यूअर, अम्मी और अब्बू वो तो घर में मुझे कहीं पर नज़र नहीं आया, लेकिन अहमद भाई मिल गए। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है जी, शुक्र है, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, दुआवां मौजां बहारां अम्मा सकूँ। काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, मैंने कहा चलो आज मुलाकात कर लेते हैं। सही हो गया? हाँ जी, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, दुआवां। वो यार आपने वो मीटर का नहीं मालूम किया यार, बिल का मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो आप बिल उठाओ, आपका बिल आया हुआ है। आप किधर आया हुआ है? वो दो महीने बाद नहीं आता? नहीं, आया हुआ है बिल। किस शॉप पे? शॉप नहीं है, दुकान है। वही वही, किधर है? इधर सामने, सलीम अली। हाँ हाँ, उससे चक्की वाली दनाल पूछना या औरतें थोड़ा जा पूछना, बेपरते आते हैं वो खुद। सलीम के पास पास आते थे, उसके बाद फिर आगे वो दूध वाला मोबाइल वाला बैठा है, उसके बाद फिर चक्की है, आगे कहाँ पूछो? इतना ही आते हैं बस, इतना ही पूछ लो बेल। उसने कहा बेल आए हुए हैं आपके, आप उठा लो बेल भरो बस। चलिए जी वीवर, चलते हैं और बिल का मालूम करते हैं, क्योंकि बहुत टेंशन है। देखें तो सही कि कितना चलाया है हमने 10 दिन में। ठीक है जी, मेहरबानी। फिर बिल पैसे बाद में तो फिर पता चलता रहेगा ना, जब बिल आ जाएगा। वो तो आपको पता है, आपने 60 यूनिट चलाए हैं। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन रीडिंग के हिसाब से फिर पता लगेगा ना। और दूसरी बात ये है कि मतलब बिल मैं ले आऊँ
फिर तो आप डेली बेस पे मतलब हर महीने चेक कर लोगे ना मोबाइल पे। हाँ फिर सही है। अभी जाते हैं, अभी मेरी बाइक शायद भाई ले गया, वो चले गए अलीपुर, गफूर भाई ले गए। नहीं नहीं वो अलीपुर चले गए अभी। अभी कौन? शहद और ऐशा। क्यों? वो उसके बच्चे की तबीयत खराब है ना, रात गए नहीं थे आप? हाँ तो दवाई ले आए थे। हाँ, अलीपुर तो दवाई लेने गए। अलीपुर दवाई लेने चले। इधर अस्पताल नहीं थी। बस वो यार माँ बाप है ना, उनको लगता है कि यार बच्चा सही नहीं हो रहा है। अब भी रवाना हो गया, रोका तो है सबने के टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी चले गए अलीपुर। ये सफर भी है और इतने में तो अल्लाह के बंदे क्या। हाँ। शाम को तो वो पहुंचेंगे, आज दवाई ले सकेंगे कल। शाम को आप अंदर बैठे हो, टाइम देखो 6:30 बजे मगरिब हो जाती है। वही कितना मतलब ये रात को घर उधर पहुंचेंगे अलीपुर, वहां पे रुकेंगे, कल जाके दवाई शवाई लेंगे। उतना एक डाडा बैठा है ना पुराना जमाने वाला, कहते हैं उससे आराम आता है बच्चों को। चले कोई नहीं जी, अल्लाह पाक उनका सफर आसान फरमाए। अभी हम चलते हैं। आपकी बाइक खड़ी है? नहीं। किधर गई? मेरी बाइक मुलेर सादक ले गए। वो किधर ले गए? वो गुलशन पे छिप गया है। ओ यार चलो देखते हैं कोई और बाइक। मैं अभी सौदे से वादे लेने हैं, मैंने कहा अभी जाता हूँ बाइक पे, अभी याद आया वो तो मुलेर दब गए। चलें जी कोई ना, अल्लाह पाक करे। पैदल चलो। मैं भी पैदल, मैं अभी होके आया हूँ, लेकिन मैं अभी चलता हूँ कोई बाइक ढूंढता हूँ। अभी अभी बात हो रही थी, ये बोल रहा था कि मेरी बाइक ना नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ये देखें ये भी पहुँच चुके हैं, बाइक भी पहुँच चुकी है। वाह जी आप तो मज़ा आ गया। चलिए जी शूज़ वगैरह पहनो। आप भी जा रहे हो या नहीं जा रहे? चले ठीक है जी चलते हैं। अभी मेरा काम भी हो जाएगा बिल वाला और इसका भी हो जाएगा। ओके हो गया। बाइक पे चढ़ के माशाल्लाह ऊंची शॉप पे आए हैं। दही हो गई? मेरे पास भी नहीं है। कितने की है किलो? 180। रियायत करो तो फिर दे। 170। दाज वदाज चल गया। पैसा पड़ा है, पैसा पड़ा है। कभी ना भी हो तो फिर टेंशन तो नहीं है ना, लेके जा सकते हैं। अब इंशाल्लाह पहली आने वाली है ना, जंपो दे दे। पहली आने वाली है ना, बिस्कुट के डब्बे और लेज वगैरह डाले सारा सामान लेंगे इंशाल्लाह। फिर लिख देना। कोई बात नहीं, वो देते हैं, कारोबार है, उधार तो होती है। चलें आप। हो गया, पैसे खुले हो गए। आ जाओ। वैसे एक पाई या मुर्गी के भी देने हैं और साथ में मिसाला वगैरह भी वैसे लेना है। 140 रुपये एक पाव चिकन हो गया माशाल्लाह। किलो है, किलो हो गया। और साथ में हाशिम मुर्गी वाला नंबर भी लिखा है, ऑनलाइन भी फराहम करते हैं, पूरे पाकिस्तान में ऑर्डर कर दिया। पूरे ये पाकिस्तान में है या बाहर मुल्क भी भेजते हैं? चले सही हो गया। चलो कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। वीवर माशाल्लाह हम बिल ले आए हैं और कुछ वो भी हैं और कुछ ये भी हैं। ये सारे अपने पास रखो यार, सबके साथ। हाँ उधर अकरम भाई उधर आते हैं ना, उधर परली कंधी से दे दो उसको। इधर नहीं है? नहीं वो तो जो कल लाएंगे ना मड्डी उठा के। अभी थे इधर, मैंने देखा वो नहीं, बाइक भी चली गई, वो भी चली गई। प्रैंक करते हैं, चलते हैं बेगम के पास। आपका कोई काम नहीं था? बोलते हैं मेरा बस यही काम था मेरा, बाकी काम शाम को होगा जब खाना वाना पका लोगे ना, बाकी का काम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है चलते हैं, थोड़ा प्रैंक करते हैं। प्रैंक ठीक है, घर पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। बस मैंने बोला था ना ये पंखे ये प्लेटें ये जब टाइम पे नहीं लगाते, अब बिल का पता चलेगा जब भरोगे। मैं बोलता था कि बिल भरना है, आप बोलती थी कि नहीं आपने भरना है, हमें क्या, आप पता चल जाएगा। हमारा इधर अजाब बना हुआ है और ये माशाल्लाह खैर है, क्या है
मीठे चावल ये हाँ। किधर थे? मेरे घर। अच्छा आप चले जाए चावल चावल अच्छा दे आओ। नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा था उज़ल भाई के साथ। बस रखे हैं मैं कहीं नहीं खाना चलो चलो ठीक है बच्चे हाँ। लोग खा लेंगे हाँ। सही हो गया जी। तो व्यूअर बिल आ गए हैं माशाल्लाह। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमारा बिल कितना आया है। अकरम भाई का कितना आया है, मेरा बिल कितना आया है, असलम भाई का कितना आया है। तीन बिल मेरे पास हैं। बड़ा अजाब बन गया। हालांकि प्लेटें लगाई जो कुछ भी किया ये सब ना घर में मौजूद जो बंदे होते हैं ना उनकी वजह से होता है, हमारी वजह से नहीं होता, उनकी वजह से। मैं कभी सो जाऊँ तो फिर सारा दिन बिजली चलती रहती है चलती रहती है। चलो देखते हैं जी क्या बनता है। ओके व्यूअर अभी आपको दिखाते हैं जो जितने जितना बिल आया है ना वो आपको दिखाते हैं जिसकी वजह से मैं गुस्सा कर रहा था। ये देखें पहले पहले है जी असलम भाई का ये खड़ा है 1558 रुपए। और इसके बाद वापस आते हैं और ये है जी दूसरा अकरम भाई का बिल और ये है 99 रुपए। मैं नाम भी आपको दिखा दूं, ये देखें मोहम्मद अकरम मोहम्मद दीन। ठीक है इसके बाद जी ये आ गया है मेरा बिल। ठीक है ये देखें 196 रुपए, इतना बड़ा बिल 196 रुपए बिल आया है। और ये देखें ये मेरा नाम गुलाम मुहियुद्दीन मोहम्मद दीन। ठीक है जी और ये हैं जी बिल और ये बहुत ज़्यादा है 196 रुपए। सीक्रेट में मुझे नहीं लगता कि जा पाएगा हमारा मीटर। सीक्रेट में रखना है ना तो फिर बिल सही आते रहते हैं, सीक्रेट से निकल गया तो फिर समझो तबाही है, इलाही है, रज़ाई है, झगड़ा है। व्यूअर आज हम बना रहे हैं गोभी और मसाले वगैरह भी काट कूट के रख दिए गए हैं और ये पका के खाते होंगे। व्यूअर चेक करें माशाल्लाह गोभी और इसके अलावा ये गोभी वाले पराठे। क्यों नहीं खाने देता, क्यों नहीं खाने देते? खाओ खाने देता है, उसने तो कुछ नहीं बोला। ये आप एक साइड पे हो जाओ, एक साइड पे बिठाओ, ये सेंटर में रखो, हाँ सीधे होके बैठो आराम से। चलो दोनों खाओ। तो व्यूअर माशाल्लाह अगर आपने खाने हो तो आके खा सकते हैं। और ये चेक करें और इसके अलावा ये भी चेक करें, इसके अलावा इसके नीचे ये भी चेक करें। ठीक हो गया तो बड़े ही ख़ास और ख़ास बनाए गए हैं स्पेशल मेरे लिए। मैं सुबह असल में ना लेट सोता हूँ और सुबह मैं उठता हूँ तकरीबन 11-12 बजे, इस वजह से ना मैंने कहा अभी बना दो फिर दिन में मज़ा नहीं आएगा। कैसे पके हैं वकार? बहुत अच्छे। चलो ठीक है। कैसे पके हैं सिद्दीक? बहुत अच्छे। अच्छा कितने पराठे खाओगे? चलो ठीक हो गया। व्यूअर खाने तो आ जाओ वरना खाने को इंतज़ार नहीं कराते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी रात को खैर तो है? एक मिनट, 7:45 हुए हैं। हाँ तो 7:45 हुए हैं, रात होती है 12 बजे के बाद। हमने गोभी वाले पराठे भी पकाए हैं। खाना पराठे हैं? हाँ पराठे हैं तो फिर पकाता। चलो फिर बैठ जाओ, पराठे सीधे होके बैठ जाओ, आपको पराठा मिल जाता है। बिस्मिल्लाह। मैंने बोल तो दिया, पता नहीं है इसे है। हाँ है। चलो शुक्र है। किस्मत पे लिखा है दाने वाले का नाम, खाने पे लिखा है दाने का नाम यार, वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा माशा, बाकी बच्चे ठीक है? सवाल है आपसे। हाँ पूछो। निशान की माँ के हैं तीन बेटे। ठीक है। जनवरी फरवरी। हाँ। तीसरे का नाम बताओ। मार्च। निशान की माँ के हैं तीन बेटे, जनवरी फरवरी, तीसरा निशान हो गया ना। हाँ ये मुझे जहन में था लेकिन मैंने कहा शायद महीने पूछ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च ले जा के बैठ गए। कोई और पूछो इस तरह का। इस
18 का है। हाँ। आप बस के ड्राइवर? ठीक है। एक स्टाफ पे 4 बंदे उतरे? ठीक है। 6 चढ़ गए? ठीक है। दूसरे स्टाफ पर 6 उतर गए? ठीक है। 4 चढ़ गए? ठीक है। ड्राइवर की उम्र कितनी है? पागल बना रहा है। अब बहुत सवारियां उतर रही हैं। 4 उतर गए, 6 चढ़ गए, फिर 6 उतर गए और 4 चढ़ गए। 44 साल वो ऐसे के 4 और 4 44। यार शुरू में बताया ना ड्राइवर आप है, आपकी उम्र कितनी है? ये बात भी सही है, मेरी उम्र 33 साल। पर बताया है ना आपको, मैं कहा आप है बात के ड्राइवर। हाँ। एक स्टाफ पर 6 चढ़े, 4 उतर गए, दूसरे में 4 उतर गए, 6 चढ़ गए। यार वाकई इसने तो पागल बना दी। अब और सवाल मैं नहीं करूंगा बस। एक है। हाँ बताऊं? हाँ बोलो। चलो पराठा खा लो फिर बताता हूँ। नहीं अभी बताओ यार, फिर मैंने वीडियो एडिट करनी है, ख़त्म हो गई है, एंड है वीडियो का, एंड है, याद नहीं है, है ना? वो थोड़ा सा सोच लो सवाल है। चल ठीक है व्यूअर, माशाल्लाह ये पहुंच चुका है इधर, इसको पराठे पराठे खवाते हैं और फिर इसको रवाना करते हैं, क्योंकि इधर पहले आपको कंफ्यूज किया मैंने। हाँ, अच्छा आपको बिल्कुल पता नहीं था सवाल का, मैंने आपको पहले स्टार्ट में कहा कि आप बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे जहन और गुमान में भी नहीं था कि मैंने कहा 44 साल उम्र होगी, 4 4 4 4 ऐसे। मुझे पहले सवाल में जवाब होता है कि आपने कहा आप ड्राइवर हो, मेरी उम्र जितनी होगी मैं बता दूँ, बस इतना। चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे, मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, रखिएगा दुआ में याद। और वाइफ के साथ प्रैंक कैसा लगा ये भी आपने ज़रूर बताना है। अभी दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।